अभी आपने वाकयात का जिक्र किया, डेफिनेटली काम करते हुए बहुत सारे आपके आपके साथ ऐसे वाकयात या ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं। कोई एक यादगार बात जो आपको लगी सुल्तान रही के हवाले से, जिनकी पर्सनालिटी या उनकी जो एक फ़नकार होने की हैसियत से आपको याद रही हो? मेरी पहली फिल्म थी वैशी जट, उसकी हम शूटिंग कर रहे थे बंद रोड के ऊपर जी। ये 73 की बात, उस बंद रोड बिल्कुल एक वीरान वो सड़क थी, AM स्टूडियो साथ था बंद रोड के ऊपर। तो आसिया मरहुमा हीरोइन थी, तो राय साहब भी थे, तो सीन हो रहा था, तो इधर उधर लोग वहाँ दरिया के किनारे जो और उसकी नीचे जो बस्तियाँ थी वहाँ से लड़के आ गए, वो शूटिंग देखने लग गए। तो उसमें से एक आदमी ने, दो आदमी लड़के थे, उन्होंने आसिया बेगम पर जुमले कसने शुरू किए, जैसे आपको पता होता है जब हमको लड़की होती है। तो हमारे प्रोड्यूसर थे वो ज़रा थोड़ा सुन के, एक बेटा जो था ना वो थोड़ा यूँ कह लें, तेज़ कह लें, बदतमीज़ कह लें या जो भी, उसने उसको गाली दे दी और कहा निकल जाओ यहाँ से। खैर वो लड़के तो तीन चार वो गाली वाले खा कर चले गए, हम शूटिंग में लग गए। तो 15 मिनट के बाद हमने एक जत्था आते हुए देखा, 15-20 आदमियों का, और डांगे उनके हाथों में थी डंडे, और माँ बहन की गालियाँ देते हुए ना आ रहे हैं। अब वो मैं और सुल्तान राय, आसिया बेगम, हसन अस्की साहब डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर था, वही लड़का जिसने गाली दी थी वो भी था, और भी काफ़ी लोग थे, स्टाफ था, कैमरामैन था। तो ऐसे मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, एक आसिया बेगम की थी वो भी जब भागने लगी तो सुल्तान राय साहब ने उनका हाथ पकड़ के वहीं खड़ा कर दिया। उसके बाद वो लड़के वागों ने गालियाँ वाली देने शुरू की, तो उनके हाथ में गंडा सा था जो उसके ऊपर ना वो चूड़ी नहीं चढ़ी हुई थी डांग की। तो बस उन्होंने मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ कि वो 15-20 आदमी के साथ उस अकेले आदमी ने लड़ाई लड़ी, जिसमें 6-7 आदमी गिर गए और बाकी भाग गए। अच्छा। ये इतना बहादुर भी था बहादुर। और रिवर्स ये था कि जब उसको कोई गाली पर्सनल देता था या कोई बुराई या कोई धमकी देता तो वो आगे से यही कहता अल्लाह भला करे, अल्लाह भला, कभी किसी से उसने बदला नहीं लिया, कभी किसी को उसने ये नहीं कहा। तो कहना तो नहीं चाहिए, तो अल्लाह को ही पता है वहाँ क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने वली बनाकर पैदा किया।